साहिबगंज जिले के सदर अस्पताल में एक बार फिर दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। डॉक्टर की लापरवाही के कारण फिर दो नवजात शिशु इस दुनिया को देखने से पहले ही अपनी जान गंवा बैठे हैं। आखिर कब तक लापरवाही का शिकार होता रहेगा साहिबगंज जिले का सदर अस्पताल? अगर सही समय पर सही इलाज होता तो शायद उस दोनों जुड़वा बच्चे की जान को बचाई जा सकती थी। बता दें कि मामला साहिबगंज सदर अस्पताल की है, जहां एक 5 महीने की गर्भवती महिला को इलाज के लिए अस्पताल में शनिवार की अहले सुबह तकरीबन 3:30 बजे के आसपास भर्ती कराया गया। परिजनों के अनुसार गर्भवती महिला को अंदरूनी ब्लीडिंग हो रही थी। परिजनों द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया, परंतु डॉक्टर अपनी ड्यूटी के दौरान अस्पताल से नदारद दिखे। मालूम करने के दौरान बताया गया कि डॉक्टर पूनम कुमारी का ड्यूटी होने के बाद भी वो अस्पताल में मौजूद नहीं थी। वहीं एएनएम द्वारा डॉक्टर पूनम कुमारी से फोन पर संपर्क कर 4 इंजेक्शन मरीज को लगाई गई, जिसके कुछ देर बाद ही बच्चे की मौत होने की खबर परिजनों को दी जाती है। मौत की खबर सुनते ही परिजन दंग रह गए। पूरे मामले की जानकारी साहिबगंज जिले के ब्यूरो विक्की कुमार ने परिजनों से ली और बताया, 20 साल बाद गर्भ धारण करती है और डॉक्टर की लापरवाही के कारण उनका बच्चा खत्म हो जाता है। अब सीधे तौर पर कहेंगे कि पेशेंट यहाँ 3:30 बजे सदर अस्पताल में एडमिट होती है और डॉक्टर ऑन कॉल ड्यूटी रहती है, जो अपने निजी क्लिनिक झूमावती अस्पताल में अपना क्लिनिक संभाल रही है और यहाँ नहीं आती है, जिसके कारण यहाँ पेशेंट जो 3:30 बजे भर्ती हुई है उनका 5:30 से 6 बजे के आसपास बच्चा खत्म हो जाता है। अब मरीजों का कहना है कि कॉल करने के बावजूद नहीं आती है और नर्स के द्वारा 7 इंजेक्शन मंगाया जाता है और 5-5 इंजेक्शन दे दिया जाता है। अब क्या कहते हैं, आइए मरीजों से जानते हैं मामला। आज 3:30 बजे सुबह मैं अपनी बहन को लेकर सदर अस्पताल आया। मेरी बहन 5 माह की गर्भवती थी। उनका अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, वाटर लेवल, यूरिन टेस्ट सब कुछ नॉर्मल था। कल दोपहर में मैं उनको सूर्या नर्सिंग अस्पताल में भी लेकर गया था जांच के दौरान वहाँ के अस्पताल के जो डॉक्टर हैं, लेडी डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि सारा रिपोर्ट आपका नॉर्मल है और बच्चा जो है सब कुछ सामान्य अवस्था में है। अचानक कल रात में दर्द होने के बाद, चूँकि रात में प्राइवेट अस्पताल में कोई सुविधा नहीं है, तो मैं 3:30 बजे सुबह सदर अस्पताल लेकर आया। यहाँ आने के बाद पता चला कि डॉक्टर पूनम कुमारी का ड्यूटी है, जो कि अस्पताल में उपस्थित ही नहीं है। नर्स के द्वारा बार बार कहने पे डॉक्टर पूनम कुमारी का नंबर दिया गया और उस नंबर पे लगातार फ़ोन करने के बाद भी डॉक्टर पूनम कुमारी का कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर मैंने नर्स से डॉक्टर सीएस साहब का नंबर लिया, सीएस साहब को भी फ़ोन किया, लेकिन सीएस साहब भी फ़ोन को पिक नहीं किए और अंततः डॉक्टरों की लापरवाही के वजह से मेरी बहन जो गर्भवती 5 महीने की गर्भवती थी, उनका बच्चे गर्भ में ही उनका देहांत हो गया। नर्स के द्वारा पता नहीं कौन सा 5-5 इंजेक्शन दिया और इंजेक्शन लगते ही मेरे दोनों भगने का देहांत हो गया। और सबसे दुख की बात यह है कि डॉक्टर पूनम कुमारी जो ऑन ड्यूटी रहते हुए भी शहर अपने अस्पताल से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे झूमावती अस्पताल प्राइवेट नर्सिंग होम का संचालन करती हैं, यहाँ से निकल के हम लोग उनके नर्सिंग होम पर भी गए ताकि वो डॉक्टर को लाया जा सके, तो वहाँ जाकर देखता हूँ कि वो अपने नर्सिंग होम में बैठी हुई हैं और उनके कुछ स्टाफ के द्वारा कहा गया कि जाइए, मैडम आ रही हैं। और अभी 10 बज चुका है लेकिन अभी तक मैडम का कोई पता नहीं है। ये है सरकारी अस्पताल का व्यवस्था है कि क्या इस पर कार्रवाई होगी। यहाँ सदर अस्पताल के DS निरीक्षण भी किए, जांच भी किए, इसके बावजूद भी कार्रवाई होती है या नहीं, आइए जानेंगे उनके बयान पे। ये मरीज रूपा देवी, पति का नाम मनोज कुमार, जयप्रकाश नगर की हैं। ये आज ही सुबह भर्ती हुई थी 5:30 बजे लगभग। हाँ, और उनका डिलीवरी का एक्सपेक्टेड डेट नवंबर था, नवंबर में था, और इन्हें बच्चे हुए जो चूँकि वे ईयर थे, प्रीमेच्योर थे, इसलिए स्टील बर्थ हुआ।
हाँ, बच्चा नहीं करता है। भर्ती के बाद जिनका भी टीबी था इलाज किसने करा? भर्ती के समय में हमारे ये होता है कि नॉर्मल डिलीवरी जो भी होती है सिस्टर लोग देखते हैं, उसका अगर उनको ज़रूरत पड़ती है कि मैडम को बुलाया जाए तो मैडम को बुला करके दिखाया जाता है। इस केस में डॉक्टर पूनम की ड्यूटी थी और उनसे मैंने बात किया, उन्होंने बताया कि जब हमको इन्फॉर्म किया गया तब तक बच्चा मुंह पर आ गया था, डिलीवरी के प्रोसेस में था, यही हमारा इन्फॉर्मेशन है। सर, एक इंजेक्शन ये है, ये चलाया गया है, हाँ, ये किस परिस्थिति में और क्यों चलती है पेशेंट को, इससे क्या होता है? क्या? ये पांच इंजेक्शन परिजनों के ना मंगाया गया था, जिसमें तीन शायद उनको लगा, सात मंगाया गया था, पांच हाँ, डाल दिया गया तो, हाँ, ये एक्चुअली डिलीवरी के समय में दिया जाता है, नॉर्मल चीज है, उसी प्रोसेस डिलीवरी के समय में दिया जाता है। सर, यदि उसको ब्लीडिंग हुआ तो ब्लीडिंग रोकने का दवा दिया जाएगा या फिर नहीं? नहीं, नहीं, ये एक्चुअली ये कंट्रोल करने के लिए ही, यूट्रस को कंट्रोल करे उसको ताकि ब्लीडिंग नहीं हो, इसका प्रोसेस यही होता है, इसलिए ऑक्सीटोसिन पड़ता है। जैसे जैसे डिलीवर डॉक्टर पूनम कुमारी जी ने दिया या नर्स के द्वारा दिया गया? नर्स के द्वारा दिया जाता है, रूटीन प्रोसेस है, रूटीन प्रोसेस है। किसके लिए देते हैं? रूटीन प्रोसेस है ये। हाँ, नॉर्मल डिलीवरी होती है तो सिस्टर देती है, सिस्टर देती है, चूंकि ये नॉर्मल प्रोसेस है। नहीं नहीं, ये हर एक नॉर्मल डिलीवरी में पड़ता है आपसे, ये चीज किरण पूनम उपस्थित थी, आप ये जांच का विषय है, पता ना करना पता लेना पड़ता है। कंटिन्यूअस 3:30 बजे सुबह से डॉक्टर पूनम को बुलाया जा रहा है, डॉक्टर पूनम उनका फोन तक पिक नहीं की, वो फोन पे ही नर्स को जो है अपना एडवाइस देते रहे कि ये कर लो और वो कर लो, और अभी समय हो रहा है 9, अभी का जो वर्तमान समय है सर 9:03, 3:30 बजे सुबह से 9 बजे, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, डॉक्टर पूनम कुमारी उपस्थित नहीं है, ऑन ड्यूटी नहीं आ रहे थे वो, आई आई इसके बारे में आपका क्या कहना है? वो अभी ये सब जानकारी जब हुआ तब आ रही थी 9 बजे से पहले, समझे, तो उन्होंने बताया कि बहुत हंगामा हो रहा है, इसलिए बोले कि अभी थोड़ा देर रुक जाइए, मैं बच्चे ना नहीं बच्चे और रुक जाइए, कुछ सुने ना, रुक जाइए हम पेशेंट को देख लेते हैं, हाँ सर, ये उनको बुलाना है तो बुला लो तुम। सर ये बताइए, आ रही थी हाँ, क्यों नहीं सर? मैं ही मना किया, कुछ अच्छा बता किया अभी 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 बच्चे को जो 5 महीने ऑलरेडी होता है, ये इंजेक्शन पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए सर? 5 महीने के बच्चे को जहाँ तक पूरा मतलब 9 मंथ में तो शायद वो आपके अनुसार पढ़ता है, नहीं किसको, मदर को, हाँ मदर को 5 महीने का अगर बच्चे का मतलब गर्भ हो तो ये इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन नॉर्मल ये होता है, डॉक्टर से ही उसको ये करना होगा। उत्तर दे देंगे सर, ये इंजेक्शन 5 महीने के प्रेगनेंसी लेडी को, प्रेग्नेंट लेडी को पढ़ना चाहिए, हाँ वो आपकी लेडी डॉक्टर से आपको ये करेंगे पता लगा। आप जो इंजेक्शन 9वें महीने लगना चाहिए उस इंजेक्शन को वो डॉक्टर के कहने पे 5वें महीने में लगाया है ना, वो डॉक्टर का आपराधिक कृत्य नहीं है? नहीं नहीं, वो मेरे नॉलेज में नहीं है, मैडम ही बता सकते हैं, डॉक्टर के कहने पर दिया 5 महीने में पढ़ना चाहिए कि नहीं चला, लेकिन मेरे नॉलेज में ये है जिसको भी डिलीवरी होगी तो उसको कांटेक्ट करने के लिए सुई पढ़ना चाहिए। एग्जैक्ट सर, जिसको भी डिलीवरी होगी, बट पेशेंट डिलीवरी के लिए नहीं आया था, वो सिर्फ ब्लड रुकवाने के लिए। नहीं 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 डिलीवरी के लिए नहीं आया, सुने ना, वो डिलीवर हो रहा था ना, प्रीमैच्योर डिलीवरी था इसलिए डिलीवर हो रहा था, तो सर डिलीवरी अपने प्रोसेस डिलीवरी नहीं 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 हो जाता है सर, वो बाद में पड़ता है ना, जब डिलीवरी होने लगते उस समय पड़ता है, जिसमें पड़ता है पहले नहीं पड़ता है डिलीवरी, हाँ परिजन को बताया कि डिलीवरी होगा, डिलीवरी की सुई दी जा रही, वो तो नहीं कर सकता हूँ डिलीवरी के समय पड़ता है कि ब्लीडिंग कम से कम हो, इसलिए ऑक्सीटोसिन पड़ती है, ऐसे पहले नहीं पड़ता तो बताया जाएगा, पहले ऐसा बताना चाहिए, बताना चाहिए, हमारा लोग बोले बताना दे देना, ये कहाँ तक कर जाएगा? देखिए जायज इसलिए है कि अगर आप बच्चा का डिलीवरी हो रहा है उसको कॉन्ट्रैक्शन ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम सुई देंगे कि नहीं देंगे, ये तो पड़ेगा, तो ये ब्लीडिंग रोकने के लिए नहीं, ब्लीडिंग नहीं हो, यूट्रस को रोकने का सुख होता है ये,
यूट्रस को रोकने, नहीं ब्लीडिंग रोक किया गया ना सर, किया गया है। ये सुई जब भी यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको दिया जाता है, डिलीवरी होगा तो उसका कॉन्ट्रैक्शन को बंद करने के लिए दिया जाता है, समझे ना। ये डिलीवरी के पहले नहीं पड़ता है सर, ऑन कॉल जो भी है, हाँ, बार बार फोन करने के बाद भी ना आना, हाँ, लापरवाही। क्वेश्चन है, बोले क्वेश्चन, बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या कार्रवाई होगी, क्या कार्रवाई तो सिविल सर्जन के स्तर से होगा, मैंने इन्फॉर्म करूंगा, हाँ वहाँ से होती है। परिजन न्याय पाने की उम्मीद को लेकर मामले की शिकायत जिला उपायुक्त रामनिवास यादव से किए, जिसके बाद उपायुक्त ने मामले को संज्ञान में लेते हुए एक टीम गठित कर जिला अपर आयुक्त अनुज प्रसाद को सदर अस्पताल भेजा गया। वहीं जांच के उपरांत अपर आयुक्त ने बताया कि इलाज के दौरान डॉक्टर पूनम कुमारी मौके पर नहीं थी, यह बात सही पाया गया है। रिपोर्ट जिला उपायुक्त को सौंपी जाएगी, इसके बाद मामले की आगे कार्रवाई की जाएगी। इसमें आज तड़के सुबह में एक पेशेंट जो उसको ब्लीडिंग हो रहा था, तो उसको सुबह में वो उसके भाई वगैरह उनके पति लाके एडमिट किए थे यहाँ पे, और यहाँ इलाज के क्रम में सुबह उनकी जो दो जो बच्चे थे उनकी मृत्यु हो गई। डिलीवरी मैंने ब्लीडिंग हो रही थी, ब्लीडिंग क्रम में जो ट्रीटमेंट चल रहा था उसी के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। तो उसी संदर्भ में जो उनके भाई हैं उनके द्वारा शिकायत की गई कि यहाँ पे इलाज के क्रम में लापरवाही बरती गई, उसी संदर्भ में मैं जांच करने आया हूँ डीसी सर के डायरेक्शन में। और अभी हमने बयान लिया, उनके भाई का बयान लिया है, जो नर्स उपस्थित थी उनका भी बयान ले रहा हूँ। आगे फिर जो भी होगा रिपोर्ट में सबमिट कर दूँगा, और उसके अनुसार आगे जो निर्णय होगा करवाइए। क्या फायदा अभी देख रहा हूँ, डॉक्टर तो अनुपस्थित थी, जो ऑन कॉल डॉक्टर पूनम है वो उनको वो नहीं थी, ये बात तो सही है। अब बाकी क्रम से देखते हैं कितने बजे पेशेंट आए, क्या आया, ये सारा कुछ जांच करके विस्तृत रिपोर्ट मैं दूंगा डी सी साहब। तो सर क्या कार्रवाई होगी सर, वो कार्रवाई मैं रिपोर्ट दे दूंगा, कार्रवाई के बाद आगे फिर डी सी सर से अपना।